हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा इन सिविल डिपार्टमेंट। और सब्जेक्ट इज़ रिपेयर एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बीटेक फिफ्थ सेम। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक मटेरियल्स फॉर रिपेयर पार्ट फर्स्ट, इन विच वी डिस्कस मटेरियल्स एंड टेक्निक एंड रिपेयर जनरल अबाउट द मटेरियल फॉर रिपेयर, एसेंशियल पैरामीटर फॉर रिपेयर मटेरियल्स एंड नेक्स्ट टूडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेम मटेरियल्स फॉर रिपेयर पार्ट सेकेंड। हियर वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल्स। तो वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ कॉन्क्रीट इज अवेलेबल डिफरिंग इन कॉस्ट एंड देयर परफॉर्मेंस इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल्स की। तो होता क्या है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इन मटेरियल को हम यूज करते हैं, मेटेरियल ऐसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इनको क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले अपन ये देखते हैं कि देखो इनकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट के हिसाब से जो रिपेयर जो मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेच रिपेयर मटेरियल, मतलब जो पेचेज हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन में उनको रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं पेच रिपेयर मटेरियल। जैसे यहाँ पे पेच रिपेयर मटेरियल में है सीमेंटियस मोर्टार और कंक्रीट पॉलीमर मॉडिफाइड, सीमेंटियस मोर्टार और कंक्रीट पॉलीमर मोर्टार, क्विक सीटिंग कंपाउंड्स दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट कैल्शियम सल्फेट बेस्ड। तो ये जो मटेरियल है स्टूडेंट्स इनको हम यूज करते हैं पेच रिपेयर मटेरियल के रूप में। ठीक है, इंजेक्शन ग्राउट मटेरियल की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी कॉस्ट के और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे सीमेंटियस ग्राउट है, नेक्स्ट है पॉलीमर ग्राउट, थर्ड है सल्फो एल्यूमिनेट ग्राउट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बॉन्डिंग मटेरियल्स की हम यहाँ पे बात करें तो बॉन्डिंग मटेरियल्स में पॉलीमर इमल्शन टाइप, पॉलीमर रेजिन टाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं रिसर्फेसिंग मटेरियल। ठीक है, सरफेस को वापस रिसर्फेस करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उनमें पहला है प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड मेम्ब्रेन, ग्नाइट, शॉर्टक्रीट, ओवरलेज, लास्ट अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, सीलिंग मटेरियल, नेक्स्ट वाटरप्रूफिंग मटेरियल। ये आप जानते होंगे स्टूडेंट्स वाटरप्रूफिंग मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना, और जो है हमारा अदर रिपेयर मटेरियल। तो अदर रिपेयर मटेरियल में क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इसमें आ जाता है कोरोजन इनहिबिटर्स, कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड रीअल्काइलाइजेशन। ठीक है, या रीअल्काइलाइजेशन, ये तो हमारे जो इनके कॉस्ट के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको क्या किया है माय डियर स्टूडेंट्स, कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्री मिक्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्री मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, पहले मिक्स किया हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम सीमेंट मिक्स करते हैं नॉर्मली, बट जहाँ पे प्लांट होते हैं कंक्रीट के प्लांट होते हैं वहाँ से कंक्रीट को मिक्स करके और जहाँ पे कंस्ट्रक्ट मतलब साइट पे जहाँ पे लेके जाना है तो वहाँ पे डायरेक्ट प्लेस करना होता है। ठीक है, तो प्री मिक्स कंक्रीट क्या होता है ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो कन्वेंशनल कंक्रीट इज कंपोज्ड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर, एडमिक्सचर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू एंट्रेन एयर, एक्सेलरेट और रिटार्ड हाइड्रेशन, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ और अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट होता है हमारा जनरली ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 30 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट होता है। अब हमको जहाँ पे जैसे रोड का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है,
जैसे रोड का कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये तो है नहीं कि जहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करना है वहीं पे कंक्रीट मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, कंक्रीट मिक्स जहाँ पे प्लांट लगे होते हैं कंक्रीट के, वहाँ पे कंक्रीट मिक्स करके जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो ड्रम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट के, उनसे उसको साइड पे ला करके प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो अब उसको क्या करते हैं, देखो अब सेटिंग टाइम इनिशियल 30 मिनट है, अब इसको बढ़ाना है, ठीक है, हमको दूर लेके जाना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें एडमिक्सचर मिला देंगे। एडमिक्सचर क्या होते हैं, यह आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हो, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि कंक्रीट की जो भी है स्ट्रेंथ है, वर्केबिलिटी है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रेशन है, ठीक है, इनको बढ़ाना, मतलब जिन जो भी सम्मिश्रक इसमें मिलाते हैं, जो भी एडमिक्सचर मिलाते हैं, इनका काम क्या होता है, कंक्रीट की सुकार्यता और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, ये एडमिक्सचर्स। इनका एडमिक्सचर का एक काम ये भी होता है, ये अभिक्रिया के जो वेग है उसको क्या करते हैं, कम भी कर देते हैं और बढ़ा भी देते हैं। तो अपन को जब मान लो अपन प्लांट से कंस्ट्रक्ट साइट पे अपन को कंक्रीट लेके जाना है, उस स्थिति में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लांट से कंक्रीट तैयार होगा, जहाँ पे भी प्लांट बनाया हुआ है वहाँ से साइट पे ले जाया जाएगा, ठीक है। तो उसको ले जाने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट में क्या ऐड करते हैं, हम एडमिक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पोजोलैनिक मटेरियल्स सच एज फ्लाई ऐश और सिलिका फ्यूम मे बी यूज इन पोर्टलैंड सीमेंट टू प्रोवाइड रिड्यूस अर्ली हीट ऑफ हाइड्रेशन, इम्प्रूव लेटर स्टेज स्ट्रेंथ एंड इनक्रीज द रेजिस्टेंस टू एल्काइली एग्रीगेट रिएक्शन एंड सल्फेट अटैक। सीमेंट पेस्ट बींग ए बाइंडर इन कॉन्क्रीट और मोर्टार होल्ड्स फाइन एग्रीगेट्स, कॉर्स एग्रीगेट्स एंड अदर कंस्टिट्यूएंट टुगेदर इन ए हार्डन्ड मैट्रिक्स, सीमेंट फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मटेरियल यूज फॉर नॉट ओनली इन न्यू कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो एज रिपेयर मटेरियल। Therefore, selection of the appropriate type of cement for new construction as well as repair work is important and determines the final efficiency and durability of the structure. तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई है कि क्या होता है एडमिक्सचर ऐड करने से स्ट्रेंथ है वो बाद में, मतलब जो टाइम हमको चाहिए होता है वो प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। जो अर्ली हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी से होता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, जो उसकी रेट है उसको क्या कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कम कर देते हैं, ठीक है। एल्काइली एग्रीगेट रिएक्शन है, इनका क्या होता है एडमिक्सचर ऐड करते हैं तो इनका विरोध हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस टू एल्काइली एग्रीगेट रिएक्शन, इसलिए भी हम क्या करते हैं एडमिक्सचर ऐड करते हैं। और सल्फेट अटैक को भी रोकने के लिए हम ये ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखो हम अभी बात ही कर रहे थे, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, इसका जो कोड है स्टूडेंट्स इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, मतलब 456, ये 2000 में क्या हुआ था इसको लागू किया गया था। तो ये क्या कहता है इसको देखते हैं, IS 456/2000 अलाउज टू यूज 33, 43 and 53 ग्रेड ऑफ OPC की, जो यूज करते हैं कंक्रीट के ग्रेड वो 33, 43 and 53 ग्रेड है, ठीक है। ग्रेड 33 and 44, 43 मतलब 33 और 43 में भी यूज फॉर मोस्ट ऑफ द रिपेयर वर्क, वेरेज 53 ग्रेड सीमेंट इज मोर सुटेड फॉर इंजेक्टेड ग्राउंडिंग ऑफ क्रेक्स और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई है इसने कि जो 33 ग्रेड और 43 ग्रेड का जो सीमेंट है उसको तो हम किस में यूज करते हैं, रिपेयर वर्क में, और जो 53 ग्रेड का सीमेंट है उसको किस में यूज करते हैं, हम इंजेक्शन ग्राउटिंग ऑफ क्रेक्स और हनीकॉम्ब कंक्रीट, मतलब जो कंक्रीट है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है या फिर उसमें क्या आते हैं क्रेक आते हैं, उनको ग्राउट करते हैं, इंजेक्ट करके ग्राउट करने के काम आता है 53 ग्रेड। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एंड पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, इनकी बात करें हम तो PPC इज ऑब्टेन्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग ऑफ OPC क्लिंकर विथ 15-35% ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल्स। तो क्या होता है देखो, जो PPC होता है, ठीक है ना, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो OPC सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें 15-35% पोजोलैनिक मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश है, कैल्साइंड क्ले, इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्लिंकर में क्या करते हैं
मिक्स करके और इंटर ग्राइंडिंग पीस के, और हमको क्या मिलता है, पीपीसी सीमेंट हमको प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं, पोजोलाना देमसेल्व्स डू नॉट पजेसेस एनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी बट इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर केमिकली रिएक्ट विद फ्री लाइम अवेलेबल इन द ओपीसी सीमेंट पेस्ट टू फॉर्म कंपाउंड पजेसिंग सीमेंटियस प्रॉपर्टीज। पोजोलानिक मटेरियल कन्वर्ट सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंटू इनसोल्यूबल फॉर्म्ड, हैंस द परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी गेट्स इम्प्रूव। पोर्टलैंड स्लस सीमेंट इज मेड बाई इंटर ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर जिप्सम एंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लज। द क्वान्टिटी ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लज मिक्सड विद ओ पी सी विद रेंज फ्राम 25 to 65%। ब्लास्ट फर्नेस स्लज इज ए वेस्ट प्रोड्यूस कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लाइम सिलिका एंड एल्यूमिना ऑब्टेंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लज है ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? ये जो मिक्सचर ऑफ लाइम सिलिका एल्यूमिना, ठीक है ना, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन से। पोर्टलैंड स्लज सीमेंट हैज़ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, बेटर रेजिस्टेंस टू क्लोराइड सल्फेट्स एंड एल्काइलीज, लो परमेबिलिटी एंड गुड रेजिस्टेंस टू एसिडिक वाटर। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RSC डेवलप्स स्ट्रेंथ मोर रैपिडली एट अर्ली एज। ये क्या होता है? RSC जो शुरुआती के जो दिन होते हैं मतलब प्लेस करने के, उनमें क्या करता है, जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप कर लेता है, मतलब तेज़ी से स्ट्रेंथ क्या करता है, डेवलप करता है। बट एज इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू OPC, किसकी तुलना में? OPC की तुलना में। इट इज़ यूज वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड, इसको वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर रोड रिपेयर वर्क, वॉल सीलिंग एट्सेट्रा। एक्सपेंसिव सीमेंट की बात करें तो कॉन्क्रीट श्रिंक वाइल सेटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ फ्री वाटर। जो फ्री वाटर होता है कॉन्क्रीट से क्या होता है, उसका लॉस होता है, तो उस सिस्टम क्या होता है सेटिंग। अब कॉन्क्रीट सेट किसकी वजह से होता है, जो फ्री वाटर होता है वो क्या होता है, उसका लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कॉन्क्रीट श्रिंक करता है। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंसिव सीमेंट इज दैट इट सफर नो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम ऑन ड्राइंग। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग 8 to 20 पार्ट्स ऑफ सल्फो एल्यूमिनेट क्लिंकर विथ 100 पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 15 पार्ट ऑफ स्टेबलाइजर। श्रिंकेज कंपनसेटिंग एक्सपेंसिव सीमेंट आर यूज टू मिनिमाइज क्रेकिंग कॉज बाय ड्राइंग श्रिंकेज इन रिपेयर कॉन्क्रीट। इट रीस्ट्रेन एक्सपेंशन इंड्यूसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे देखो, इसे ये कहा है कि जो RHC सीमेंट है ये क्या करता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी तुलना में शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ तेज़ी से गेन करता है, ठीक है। एक्सपेंसिव सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो कॉन्क्रीट श्रिंक किसकी वजह से होता है, जो फ्री वाटर अवेलेबल होता है कॉन्क्रीट में वो क्या होता है, उसका लूज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है सेटिंग होती है, और सेटिंग होगा तो क्या होगा कॉन्क्रीट श्रिंक करेगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव सीमेंट की वो क्या है कि जो सूखने पे जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। ये जो सीमेंट होता है एक्सपेंसिव, इसको किससे बनाते हैं, 8 to 20 पार्ट सल्फर एल्यूमिनेट क्लिंकर किसके साथ, विथ 100 पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 15 पार्ट्स ऑफ स्टेबलाइजर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्री मिक्सड सीमेंट मोर्टार, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये मिक्सर होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। ये जो कॉन्क्रीट होता है मोर्टार होता है क्या होता है, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट का क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर इसका क्या होता है, मिक्सचर ही तो होता है। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, एक्सपेंसिव एजेंट एंड अदर मोडिफायर्स आर ऑफन यूज विद कन्वेंशनल मोर्टार टू मिनिमाइज श्रिंकेज। अब श्रिंकेज को मिनिमाइज मतलब रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक्सपेंसिव एजेंट और एडमिक्सचर हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। कन्वेंशनल मोर्टार इज रेडली अवेलेबल, वेल अंडरस्टूड इकोनॉमिकली एंड इजी टू प्रोड्यूस पेस एंड फिनिश, दे आर सूटेबल फॉर स्मॉल क्रेक्स। मोर्टार जनरली एक्सिबिट इंक्रीजेज ड्राइंग श्रिंकेज कंपेयर टू कॉन्क्रीट बिकॉज ऑफ देयर हायर वाटर वॉल्यूम, हाई सीमेंट कंटेंट एंड हायर पेस्ट एग्रीगेट रेशियो। अब यहाँ पे
पॉलीमर्स की बात करें तो देखो पॉलीमर्स का मीन्स क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे पार्ट होते हैं तो इनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर। यहाँ पे लिख रखा है पॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है, एक मैनी का मतलब कई, पार्ट्स का मतलब हिस्से, ठीक है। ए लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। क्या होता है, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल किससे बना, ए लॉट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको क्या कहते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। अब मोनोमर क्या होता है, नॉन लिंक्ड मर मटेरियल। ये जो मोनोमर होता है क्या होता है, ये लिंक आपस में लिंक नहीं होता, ठीक है। पॉलीमर कॉन्क्रीट की बात करें, द पोरोसिटी ड्यू टू एयर वॉइड्स, वाटर वॉइड्स और ड्यू टू द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल स्ट्रक्चर इटसेल्फ। ऑन अकाउंट ऑफ द पोरोसिटी द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज नेचुरली रिड्यूस्ड। इट इज कंसीव्ड बाय मैनी रिसर्च वर्कर्स दैट रिडक्शन ऑफ पोरोसिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। देयरफॉर प्रोसेस लाइक वाइब्रेशन, प्रेशर एप्लीकेशन, स्पाइनिंग एटसेट्रा हैव बीन प्रैक्टिसाइड मेनली टू रिड्यूस पोरोसिटी। ऑल दीज मेथड हैव बीन फाउंड टू बी हेल्पफुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बट नन ऑफ दीज मेथड्स कुड रियली हेल्प टू रिड्यूस द वाटर वॉइड्स एंड द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल, विच इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 28%। द इम्प्रेगनेशन ऑफ मोनोमर्स एंड सब्सिक्वेंट पोलीमराइजेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक एडोप्टेड टू रिड्यूस द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट। एकेडमिक पर्पज इसका देखें, द पॉलीमर इज ए कॉन्क्रीट ए न्यू कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट ऑन द ओरिजन। Through continued research, it has been established that addition of polymer in concrete brings about marked improvement in its compressive strength, fatigue resistance, impact resistance, toughness and durability. Polymer concrete is highly impermeable and resistant to attack by acid alkalis and other chemicals. Thanks, students.